चलें एक सेकंड उधर देखें, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की हमने बात कर ली थी। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में जो आपने चीज़ें पढ़ ली थी उनको एक सेकंड में मैं रिकैप कर देता हूँ। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए एक तो आपने पढ़ा हुआ था कहा जाए ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ आप मोटे तौर पर याद है, ट्राइंगल लॉ आपसे कहता था अगर किन्हीं भी दो वैक्टर्स को आप कंजिकटिव साइड्स ऑफ ट्राइंगल के तौर पर लेंगे तो फिर इनका रिजल्टेंट आपका कहाँ से आएगा, इनका रिजल्टेंट आता है थर्ड साइड ऑफ दी इससे, और इसके लिए जो वैल्यूज़ देंगे वैल्यूज़ मैं कॉमन बता दूंगा क्योंकि वैल्यूज़ दोनों की एक ही आ रही थी। हाँ, इसमें जो एक ख़ास बात बतानी थी वो ये था कि दोनों वेक्टर्स जो आपके हैं उनके बीच का एंगल कितना लिया जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आप ले लीजिएगा थीटा और रिजल्टेंट का एंगल आप मान रहे होते हैं अल्फ़ा। यही सेम टू सेम आपने दूसरा पढ़ा हुआ था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और इसमें कितना डिफरेंस था, केवल इतना सा डिफरेंस था। इसमें कहा गया था कंजिकटिव साइड्स लें और इसमें आपसे कहा था आप साइड्स को कैसे लेंगे फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और अगर कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप रखेंगे तो फिर अब की बार आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा इसमें एक पैरेललोग्राम और रिजल्टेंट आपका कहाँ से आएगा, रिजल्टेंट आपका जाएगा बाय द डायगनल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर वही चीज़ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ए और बी के बीच के टोटल एंगल आप थीटा सपोज कर लेंगे, जो आपका रिजल्टेंट है इसका एंगल आप कितना मानते हुए चलेंगे अल्फ़ा। दोनों के लिए एक अच्छी बात है, रिजल्टेंट का फार्मूला कॉमन था और वो कॉमन फार्मूला कौन सा था, आर इज इक्वल्स टू आपके लिए होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और एक आपके लिए था टेन अल्फा इज इक्वल्स टू का हमारे लिए बी साइन थीटा अपॉन। बढ़िया, वेल डन, तो ये आपको बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों आपको मालूम है, इस बेसिस पे एक आध क्वेश्चन देख लेंगे और जो बचे होंगे। तीसरे नंबर पे आप जाएंगे, इस फॉर्मूले बेसिस पे मैंने तीन कंडीशंस डिस्कस की थी। कौन सी कंडीशन ली थी, कंडीशन नंबर ए आपने ली थी अगर आपके वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, थीटा ज़ीरो है तो फिर आपका आर इज इक्वल्स टू आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा ए प्लस बी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपका जो है दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर आपका थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा और आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ए माइनस बी। और फाइनल तीसरी कंडीशन आपने ली थी, इनकेस द वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो फिर आप बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट्स ऑल। तो ये तो क्लियर थे तीनों चीज़ें, हाँ ना बताएं। ओके, देन आपसे कहा था इसी पैरेललोग्राम लॉ का आप रिवर्सल प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, और रिवर्सल प्रोसेस क्या कहा था वो फिर आपके लिए जानी जाती थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के नाम से। रेजोल्यूशन आपका क्या था, रेजोल्यूशन ये था कि ये आपके गए दो कंपोनेंट और दो कंपोनेंट, चलो पहले यहाँ से बता देता हूँ, अगर आपका ये कोई भी वेक्टर आर है तो मैंने कहा था इसके आप दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, दो कंपोनेंट में एक आपका होगा आर एक्स और एक दूसरा होगा आर वाई, ये आप क्लियर आ थीटा। आर एक्स की वैल्यू बताओगे आर कॉस थीटा, वेल डन, और आर वाई की वैल्यू बताओगे आर साइन थीटा, देन इट्स गुड। बाकी जब चाहेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस और पाइथागोरस को लगाई देंगे आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलें तो ये सारी कहानी मलकान सिंह जी पढ़ी हुई है आपकी, आती है सारी चीज़ें, बढ़िया। देन इसके बाद आगे जाते हैं, अब यहाँ से मैंने एक दो क्वेश्चन आपको बताए थे क्वेश्चन, जैसे एक हमने ये लिया था शायद, मेरा ख्याल है कौन सा लिया था ज़रा देखें, एक तो शायद रेशियो वाला ले लिया था, रेशियो थ्री और फाइव हो तो उनका हम कहते हैं आपका फोर्सेस कितने आएंगे, ये हमने किया हुआ है ना, इसको टिक कर देता हूँ। और आपसे ये तो आपने ओरल कर लिया था ज़्यादातर लोगों ने, 7-12 वाला, ठीक है तो इसको भी हम टिक कर देते हैं। देन इसके बाद एक क्वेश्चन ये शायद हमने नहीं लिया था, है ना, ओके। और इसके अलावा कोई और किया था क्या, दो ही क्वेश्चन किए थे ना, ठीक है बस, तो दो किए थे तो एक तीसरा करते हैं, फिर एक छोटी चीज़ बताएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगली बार आपसे कह रहा था देखना, ये भी किया हुआ 9 और 7 वाला, हाँ बस फिर तो बढ़िया है, एट वॉट एंगल, ओके। देन इसके बाद फिर ध्यान से देखो, अब हम एक चीज़ पर और चलते हैं, और जो अगली चीज़ पर चलते हैं उसके लिए आप एक सिंबल हेडिंग डाल दें आई कैप कॉमा जे कैप फॉर्म, और आई कैप जे कैप फॉर्म और लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि एनसीईआरटी के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो
आधे ज़्यादा क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इन सब के आई आई और जे के फॉर्म में है। किसी ने 12th की NCERT ली है? तुम्हें तो मिली ही नहीं होगी, तुम फ्री के जुगाड़ में होंगे, सरकारी स्कूल वाले हो कौन जली, जब तक स्कूल देने लगेगी तब तक मिली नहीं बोले। ठीक है, आई कैप जे कैप फॉर्म क्या था, एक बहुत छोटी सी बात आता हूँ, पहले इधर ध्यान देखो, कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर आगे जाएंगे। क्या आपने एक बात ध्यान दी, मान के चलो एक सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं, इस कमरे की सपोज करो चौड़ाई कितनी होगी, लगभग लगभग 15 क्या किलोमीटर, ठीक, तो 15 में फिर फुट नहीं होंगे, फीट हो जाएंगे, सही कह रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम हो भैया, अंग्रेजी नहीं सिखानी पड़े, एक फुट होगा और 2 फीट हो जाएंगे, सही बोल रहा हूँ ना, प्लूरल भी तो एक चीज़ होती है, तो इसलिए मैंने कहा था बढ़िया 15 फीट होगी, और इसलिए कहा क्योंकि दो जगह बताता हूँ। नंबर वन, पहले तो आपके लिए बताऊँ कि अपन जो है लास्ट ईयर मेज़रमेंट यूनिट डायमेंशन सब पढ़ के आए हैं, शुरुआती आपकी फिज़िक्स की यूनिट एंड मेज़रमेंट से थी कि आप हर जगह यूनिट्स का इस्तेमाल करें, आप नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं, अगले जो आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे उसमें आपके जो नंबरों में 4-5 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, वो आपको बता देगा कि यूनिट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कई आपके क्वेश्चंस जिन्हें लास्ट ईयर के क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए हैं याद है, हर जगह यूनिट कन्वर्जन करते थे, कहीं मीटर पर सेकंड में दिया है, कहीं किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसलिए यूनिट ज़रूर बताइएगा। आप कह रहे हैं इस कमरे की चौड़ाई है 15 फीट, क्या आपका ध्यान जाता है, जब आप 15 फीट की बात कर रहे हैं तो 15 फीट का मतलब क्या है, एक्चुअली 15 फीट में ध्यान देखें, यह फीट जो आपके लिए यूनिट ऑफ द लेंथ, और 15 फीट का मतलब होता है 15 टाइम्स, अपने पास एक ही फुट होता है उसी को अपने क्या किया, 15 फीट कुछ नहीं होता, क्या है 15 बार 15 टाइम्स ऑफ 1 फुट। मान चले आप कोई चीज़ खरीदते हैं 5 किलोग्राम, और 5 किलोग्राम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका मतलब समझ में आ रहा है आप कितना खरीद रहे हैं, 5 किलोग्राम का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि आप ले रहे हैं 5 टाइम्स ऑफ, अब तो याद आ गया यूनिट्स में, और ऐसे ही ध्यान देखना जैसे मैं यहाँ यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भी आप मीटर किलोग्राम जो भी इस्तेमाल कर रहे हो सेकंड, ऐसे ही आप फिजिक्स में या मैथ्स में इस्तेमाल करते हुए जाते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे हम डिस्टेंस में ले रहे थे 1 फुट या 1 मीटर ले लिया, मास में आपने 1 kg ले लिया, तो वेक्टर्स में मैंने कहा एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। दूसरी बात याद देखना, वेक्टर है तो कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ज़रूर होगी, और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन ज़रूर होगी तो मुझे बताएं हम लोगों के पास मैथमेटिक्स में कितनी डायरेक्शन होती हैं, 3, कौन कौन सी, सही कह रहा हूँ, इसके अलावा चौथी डायरेक्शन कहीं नहीं होती, चाहे आप इन्हें एक्स वाई जेड कह दें, चाहे आप हिंदी में दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे बोल दें, आप ज्योग्राफी पढ़ने चले आए तो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये सब वेस्ट करते रहें, आप चाहे जो नाम बदल दें लेकिन नंबर नहीं बदल पाओगे, रहेंगे उतने ही, और अगर उतने ही रहेंगे तो समझ में आ रहा होगा हमारे पास 3 तरह के यूनिट वेक्टर होंगे। कौन कौन से यूनिट वेक्टर होंगे, एक यूनिट वेक्टर होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक होगा अलोंग वाई एक्सिस, और एक होगा अलोंग दी जेड एक्सिस, और इनके लिए हम अलग से नोटेशन बना देते हैं, तीनों के लिए नाम याद रखिएगा जिन्होंने नहीं पढ़े हो लास्ट ईयर, और जिन्हें पढ़े हो वो बिल्कुल इसको ब्रशअप कर लीजिएगा, ये आपके लिए कहलाते थे आई कैप जे कैप और के कैप। क्या बता रहा होता है आई कैप, आई कैप का मतलब ही है 1, और कौन सा 1, अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब ही था 1 अलोंग द वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, आप अप्लाई करते हैं फोर्स, कितना अप्लाई करते हो 5 न्यूटन, अब भैया कौन सी डायरेक्शन में, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, कुछ मत नोट करो, मैं अभी इसको नोट करा दूंगा, एक मिनट पहले देख लो आराम से, पहले अपन समझ लें बहुत ध्यान से, फिर छोटी छोटी 2-3 चीज़ें नोट करा देता हूँ। फोर्स आप ले रहे हैं 5 न्यूटन, क्या आपके ध्यान है कल की चर्चा से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपको फोर्स कहाँ लगाना है, द डायरेक्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड, इवन हम कहते हैं ऑफिस बनाने वाला गेट पे भी पुल या पुश लिखता ज़रूर है, तो इसका मतलब है कहीं तो बताओगे, हम मानने चलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, क्या है मेरी बात समझ में आ रही है, आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप 5 गुना फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन से, क्योंकि यूनिट तो 1 न्यूटन है ना,
जो यहाँ दिखा रहा था, और कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हो, और इसीलिए इस फोर्स को आप लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में, ये बता रहा है फाइव आई आई कैप का मतलब ये फाइव न्यूटन का फोर्स आप कहाँ लगा रहे हैं, या आप लगा रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसी बाकी ट्वेल्थ में हो इतने समझदार हो, बाकी अपने आप दिख जाएंगे। वाई पे लगा रहे होते, जे चले जाते, जेड पे लगा रहे होते, के चले जाते, एटसेट्रा। क्या एक रफ आइडिया समझ में आ जाता है, हाँ ना मुझे बताएं, रफ आइडिया समझ में आता है तो इसलिए बिल्कुल इन शॉर्ट लिखो, क्योंकि अब केवल काम चलाओ चीज़ें लिखनी है ना। एक चले आएगा, क्या आपने कहा था कुछ हेडिंग डाली थी क्या आपने, आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म, इसमें आप बताइएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप, लिखते हैं डैश मार के आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वैक्टर्स, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वैक्टर्स अलोंग, आर यूनिट वैक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, आर यूनिट वैक्टर्स अलोंग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। क्या ये बात समझ में आ जाती है, हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे एग्जांपल एक काम और कर दो, नीचे आप बताइएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज वन, ये पहले बता दिया यूनिट वेक्टर कह रहा हूँ तो वैल्यू तो उसकी कितनी आनी है, वन आनी है। और एक खास बात पे आता हूँ, चलो इसी को दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल बता दीजिएगा फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन, एग्जाम्पल बता दें आप फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा बढ़िया। इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, फाइव इंटू वन न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आप लिख सकते हैं फाइव आई कैप न्यूटन। किसी को इस ट्रांसलेशन में इसका मतलब समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, क्योंकि आप कंटिन्यूअस हमें इसी लैंग्वेज में वर्क करना है। हो गया ये कंप्लीट, हाँ है ना, बढ़िया कर दिया है तनू। अब ध्यान देखा क्या आप कैसा ध्यान है, हम लास्ट राउंड पे एक बात कर रहे थे और अभी मैंने दोबारा रिपीट की थी, मैंने कहा था अगर आपके पास कोई वेक्टर आर है तो आप इस वेक्टर आर के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, और दो कंपोनेंट आपके कौन से होते हैं, एक आपका आता है आर एक्स और दूसरा आता है आपके लिए आर वाई, और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। जो आपको चीज़ मालूम है वो क्या है, आपको मालूम है इन दोनों का रिजल्टेंट ये जाएगा। इसका मतलब ध्यान देखना, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, वेक्टर आर होगा वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई, इसमें तो कोई वो नहीं है दिक्कत, तो पूछ हटाओ। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लास्ट राउंड पे, इन दोनों जो आपकी साइड्स हैं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, डायगनल आना चाहिए। अब जो वेक्टर आर एक्स है, फॉर एग्जाम्पल मान चलो ये वेक्टर फाइव है, फाइव का मतलब समझ में आ रहा है फाइव अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि आप कह सकते हैं, और इसलिए अब हम जो नोटेशन लेंगे ध्यान देखना वो कितना लिया जाता है, वेक्टर आर होगा आर एक्स किस डायरेक्शन में, और ऐसे ही आपका क्या पैटर्न समझ में आता है, जब भी कभी हमारे पास इस टाइप से कुछ भी लिखा आएगा थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप या जो भी लिखाओ, तो सबसे बड़ी बात हमें उसका मीनिंग साफ साफ तुरंत समझ में आए, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल अब इसी लैंग्वेज में मैंने कहा आएंगे, इसलिए मैं आपको वो बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आप वहाँ ये नहीं अटके लिखा क्या है, ठीक है ना। कर दें एक अगले स्टेप में, फिगर बना के दिखा दें, वैक्टर आर इज इक्वल्स टू वैक्टर आर एक्स प्लस वैक्टर आर वाई, कितना हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप,
मिल गया, कोई इसमें दिक्कत। ऐसे ध्यान देखना, अगर आप थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन करेंगे, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था तीन डायरेक्शन भी हो सकते हैं, तो तीसरे का अंदाज लग रहा होगा, उसी में चला जाएगा आर जेड के कैप। क्या ये आइडिया हो जाता है? ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें पहले हम इनके रिफ्रेश कर दें, फिर आगे जाते हैं। जब आपको ये मालूम है, आए ज़रा देखें, हम थे उस क्वेश्चन पे जो आपके लिए तीन हमने किए थे उसके बाद वाले पे आ जाए। क्या आपके नज़र आ रहा है, वेक्टर ए बराबर ये दिया हुआ है, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दिया है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी पूछ रहा है। और एक मज़ेदार बात आता हूँ, अभी ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम है, दो तरीके हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, पहले देसी और फिर उसका कारण समेत। क्या आपको नजर आ रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आपका 4i-3j, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आपका कितना है, ये आपका 6i+8j है ना। और आपसे जानना चाह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दें। अगर 10th का सामान्य ज्ञान भी लगाओगे तो भी इतना दिख रहा होगा, एक्स एक्स और वाई वाई आपस में ऐड हो जाते थे, नहीं है? और अब हम चेक करा देते हैं ये दोनों क्यों ऐड हो जाएंगे। आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन तो आप उन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो देख लो, दोनों आई कैप हैं, आई कैप बता ही रहा है कि दोनों कहाँ हैं, एक्स एक्सिस में, इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक तो थंब रूल 10th वाला, दोनों एक्स वाले हैं तो ऐड कर दो, बाकी मैंने कहा भैया जो आप पढ़ चुके हैं वो ये है भी, कर दो, इसको तो ऐड कर लोगे, कितना आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा शायद, क्या इतना मिल जाता है, हाँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दिखा दें फुर्ती से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर आगे जाऊंगा। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, तभी तो बगल में ए लिखना पड़ा है मुझे। निकाल दिया इतना तो, हाँ ना बताएं, और इतना निकाल दिया है तो फिर एक अगला सवाल है, आप जानना क्या चाहते हैं, आप जानना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड, आप जानना चाह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, ये जो भी ए प्लस बी आया है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानना चाह रहे हैं। पहले मुझे एक बात बताएं, क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि आर एक्स है? क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि आर वाई है? ये देखें, अगर ये नज़र आ रहे हैं तो आगे कहानी चलेगी, नहीं रही, ख़त्म है। अब आप कल का याद करें, क्या आपको मैंने ऐसा बताया था मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू होता है, क्योंकि रिजल्टेंट ये होता है अंडर रूट ऑफ, बस चाहे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, चाहे आर एक्स स्क्वायर, नहीं निकलेगा, देखें कितना आएगा, फुर्ती से बताएं मुझे। दस का स्क्वायर 100, 125 आ जाएगा अंडर रूट का, सही कह रहे हैं, यानी कि 5√5 आप कह सकते हैं, सिंपल, बढ़िया। मिल गया, हाँ है ना। क्या आपके ऐसा याद है, डायरेक्शन के लिए आपसे कहा था, डायरेक्शन के लिए आप लगाएंगे 10 थीटा, और 10 थीटा चूंकि दोनों हमने कहा आर वाई और आर एक्स हैं, तो सीधा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना, कितना निकलेगा इसका मतलब, 10 थीटा इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, चलो आर वाई आर अपॉन एक्स तो डायरेक्ट कर सकते हो, 5/10, तो ओरली कर लें कि लिख के करूँ 5/10, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? सही कह रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आप बताएंगे 10 इनवर्स 1/2। ये भी पैटर्न हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस पे जाना है। बोले राज शर्मा जी, कहीं कोई दिक्कत? बोलो, कोई समस्या है मांझू? नहीं,
पहुंच जाएंगे यहाँ तक। अब एक अगला सवाल, दो फोर्सेज हैं आपके F1 और F2, ये एक्ट कर रहे हैं अलोंग द लाइन x बराबर 0 और y बराबर 0। दूसरा एक ख़ास बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए हैं किसी खास पर्पज से सिलेक्ट किए गए हैं। अगले टर्न से हम कहते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे उसमें जगह जगह जहाँ सवाल करोगे इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, और मैं तब कहूँगा बेटा पिछले सवाल नहीं लगाए क्या, तब बिल्कुल बताना हाँ हमने लगाए, या फिर बता देना नहीं लगाए। अब ये तो देखो तुम्हारे ऊपर है ना। मुझे बताएं दो फोर्सेज हैं आपके एक्ट कर रहे हैं, कहाँ का एक्ट कर रहे हैं, F1 बराबर 1 न्यूटन और F2 बराबर 2 न्यूटन, एक्ट अलोंग द लाइन x बराबर 0। मुझे बताएं लाइन x बराबर 0 क्या होती है। बोलो गौतम गंभीर, पक्का कन्फर्म के? हाँ लॉक कर दूँ? ठीक है, टेंथ याद है इसलिए मैंने कहा कभी कभार टेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। टेंथ में आपको याद होगा आप कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़ रहे थे, और कोऑर्डिनेट एक्सेस में आपको बताया गया था कि लाइन एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0, तो ये लाइन कहलाती है एक्स बराबर 0, ये लाइन कहलाती है वाई बराबर 0, और वाई बराबर 1 कहाँ होगी, यहाँ या यहाँ? हिंदी में पूछ रहा हूँ, आड़ी या खड़ी? वाई बराबर 1 खड़े में, सही पूछ रहे थे तुमसे कन्फर्म, वो लॉक इसलिए करवा रहे हैं बेटा इस पे, ये y बराबर 1 है, y बराबर 2 है, y बराबर 3 है, y बराबर 4 है, और अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तो पिछले साल तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पहले ही चैप्टर रहा होगा ना, नहीं था उसमें तो और स्पेशली ये चीज़ें सबसे पहले लगी होंगी, याद रखिएगा। इसलिए ने कहा ये एक्सिस की इक्वेशन है, और ये आपकी कौन सी लाइन है, ये है एक्स बराबर 1, और जिन्हें शंका हो मैं दिखा देता हूँ, स्पेस लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें। चलो और इधर बनाता हूँ, थोड़ा साफ़ कर दूँ, बेहतर सा एक बना देता हूँ जिन्हें दिक्कत है। इसलिए ने कहा था बेटा ट्वेल्थ में घुसने से पहले कुछ बेसिक्स मजबूत करते हुए जाना, हम बताते आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन इसलिए सिलेक्टेड है, जितनी तेज़ी से आप उसे करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपका ट्वेल्थ में ठीक रहेगा, और ट्वेल्थ के आगे की संभावनाएं आपकी उतनी बेहतर रहेंगी, क्योंकि आप एमपी बोर्ड से हैं, ट्वेल्थ में पास सारे हो जाओगे, और आराम से बताएं फिजिक्स में 60-65 नंबर भी ले आओगे। ये वैसे ही बता देता हूँ, चाहे तुम मुझसे पढ़ो और चाहे मत पढ़ो, जो कोई टीचर नहीं बताएगा हम बता देते हैं। लास्ट में कुछ मत करना, परीक्षा देना है परीक्षा बोर्ड उठा लेना दिसंबर के आसपास, गारंटी है एक 25-26 नंबर जुगाड़ है तो 28-29 नंबर, एक मोटे तौर मान लेता हूँ 30-30 का टारगेट तो पूरा कर देगा प्रैक्टिकल, और परीक्षा ध्यान रख के बैठे हो तो 30-40 नंबर आराम से वहाँ से आ रहे हैं, तो एक 70 का सम्मानजनक स्कोर दिखाने काम में ज़रूर आएगा। हमारी ट्वेल्थ में 70% थी, दैट्स ऑल, लेकिन ध्यान रखना दिखा ही पाओगे कर कुछ नहीं पाओगे, तो ये मैं ज़रूर बता देता हूँ, 70% दिखा सकते हो, करने के लिए बहुत कम रह जाएगा। आए देखे ध्यान से, ये लाइन खींच देता हूँ, ये लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन पे कोई भी 3 पॉइंट ले लो, कोई भी आदमी जरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, 1-1 मान लो, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, 1 ए मान लिया, 1 ए मान लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, इसका 1-2 हो जाएगा, इसका बताना ज़रा 1-3 हो जाएगा, जरा इसका बताना 1-1 या 1-2 ऐसी कुछ बताओगे ना, ठीक है वो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो जो तुम मान लो अभी कौन से अपन ने नंबरिंग कर रखी है, जरा देखना इन सब में कॉमन क्या है, कौन सा 1, क्योंकि ये लाइन ध्यान देखो x बराबर 1 से ही क्रॉस हो रही है, इसलिए x बराबर 0 होती है वाई एक्सिस, x बराबर 1-2 या -1 और -2, x बराबर समथिंग या हमेशा हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस लाइन जाएंगी। और मैंने कहा था ये वो ज्ञान है जो हम पिछले 3 सालों में हमें बटोरना चाहिए था, नहीं बटोर पाए कोई दिक्कत नहीं, अब कर लें, हो सकता है कहीं काम में आ जाए, और जब मैं कहीं काम में बात कर रहा होता हूँ तो मैं 12th के 60-70 नंबरों के बारे में बात नहीं कर रहा होता हूँ, ये कन्फर्म है, ठीक है ना, उनके लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हो।
अब समझ आ जाता है, तो एक्स बराबर ज़ीरो मतलब समझ आ रहा होगा, मैं लिख देता हूँ इसलिए इसके सॉल्यूशन में, क्या आपको ऐसा नज़र आता है, लाइन एक्स बराबर ज़ीरो आपको क्या चीज़ बता रही होती है। और इसी टाइप से वाई बराबर ज़ीरो तो आप समझ में आ गई होगी, वाई बराबर ज़ीरो पे जाओगे तो चलो मैं वाई बराबर भी दिखा देता हूँ, ये है वाई बराबर ज़ीरो, ये है वाई बराबर वन, वाई बराबर टू, वाई बराबर थ्री, जो भी लेना चाहोगे, वाई बराबर माइनस पाँच, क्योंकि इनका वाई कन्फर्म है इतना ही होगा। लाइन वाई बराबर ज़ीरो पे जाओगे तो ये क्या होंगी, और इसीलिए अब देखें ध्यान से, एफ वन बराबर कितना दिया, एफ वन दिया हुआ है 1 न्यूटन, और कहाँ काम कर रहा है दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ना बताना, तो मैं लिख दूँ, समझ आ गया, और मुझे बस इतना ही सिखाना है, जो कोई बहुत ज़्यादा नहीं सिखाना कहीं से कहीं तक। और ऐसे ही आप देखना, अगर आप F2 जाएंगे 2 न्यूटन दिख रहा है, कहाँ काम कर रहा है, y बराबर ज़ीरो पर, तो मुझे लग रहा है आपका टोटल फोर्स मिल गया, टोटल कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 1j कैप। अच्छा 1j कैप ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि 1 नहीं लिखा जाता भाई, 1j कैप पढ़ोगे तो आदमी देखेगा है 1x to the power 1 divided by 1, है ना, अटपटा नहीं लगेगा, एक्स पर्याप्त है, कर दे मज़े से, इतना ही दिखा दे जितना मैंने दिखाया है। शीट्स आपके पास मैंने कहा PDF फॉर्म में है, लेक्चर्स वीडियो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के लिए बड़े मज़े से, और किसी ने PDF के क्वेश्चन खोल के चेक किए हैं, इसलिए आप देखेंगे हमें वेक्टर अलजेब्रा में कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें वेक्टर अलजेब्रा में केवल वो क्वेश्चन करने हैं जिनसे हमारी बेसिक प्लेटफॉर्म सामान्य से तैयार हो जाए। कर दिया कंप्लीट, हाँ ना बताएं, नेक्स्ट एक चले जाए ज़रा अगला, ये आपसे कह रहा है 3 वैक्टर्स हैं, इतने इतने और इतने, तो जरा वैक्टर है -2b + 3c बताएं, ये तो तुम खुद से बताओ यार, करो फटाक से, एक आपको दिया है वेक्टर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, ए -2b + 3c कर पाओगे कि नहीं, देखो इतना चेक करो, क्योंकि हकीकत बताऊँ ये क्वेश्चन कहाँ का है, 10th का ही मान लो, 10th में ही कर देते इक्वेशन 1 में 2 से इनटू और फिर 2 में 3 से इनटू करके प्लस माइनस करना, कर दे मजे से। बी वाला, बी बोले तो आपके हिसाब से 20i - 5j ये वाला ना, बी आपका बढ़िया, बताओ अमन सिंह आ गया नहीं आया, तुम बोले वाला आया नहीं आया, हैं नहीं आया, क्या नहीं आया दिखाओ मुझे, हैं तो कुछ तो किया हुआ, ट्राई कि नहीं किया, ट्राई नहीं किया, अरे तो कॉपी दिखाओ एक मिनट, फिर एक छोटी चीज़ बताता हूँ बेटा,
बता देता हूँ मैं, ठीक है ध्यान से मेरी बात सुनना, हम बताएं। अभी मैंने आपसे पूछा था आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा या नहीं, आपने कह दिया था हाँ। कैबडा अगर नहीं पढ़ा तो उसे स्पष्ट बताओ, नहीं पढ़ा तो क्या होगा, फिर मैं उसको उस हिसाब से ट्रीट करूँगा, नहीं तो तुमने कह दिया हाँ मैं सब आता है तो मान के चलना आता है, इसमें तुम कहाँ अटक रहे होगे। तुमने तुम्हें हिंदी भी दी थी, टेंथ में इक्वेशन सॉल्व ही नहीं किया, टेंथ में साइमल्टेनियस इक्वेशन आती थी जब एलिमिनेशन मेथड क्या काम करते थे, इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई किया, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया, ऐसे कुछ करते थे। मुझे लग रहा है सिंपल यही है, ज़रा ध्यान देखें। अगर आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए और इसमें हमें बताए वेक्टर ए बी सी लिखने भी नहीं थे, ज़रा इधर देखो क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है वेक्टर ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी। वेक्टर ए का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा टू आई और प्लस जे, आ जाओ माइनस टू बी, और ट्वेल्थ में वो ये मान के चलेंगे माइनस टू बी लिखा जा सकता है डायरेक्ट, हाँ ना बताएं। माइनस टू से इन टू कर लो भैया, कितना वगैरह करना कितना होगा ठीक। और चलो तुम्हारी सुविधा के लिए काम करते हैं, यहाँ नहीं लिखते और उसको स्पष्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा माइनस सिक्स जे और कितना हो जाएगा प्लस, यही होगा। और चले जाना तीसरा क्या था आपका माइनस हो और आगे क्या था प्लस थ्री सी, थ्री सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थ्री, कितने आई हो जाएंगे और कर दें कितने के हो जाएंगे, मैं तो और फैला फैला के लिख दिया है ताकि ऊपर नीचे किसी को जोड़ने घटाने में सुविधा ना हो, जैसे मेरे हिसाब से एक ही लाइन में लिख दो, सही ना, कायदा तो कहता है एक ही लाइन में लिखते चला चले जाओ और देख लेना कितने आई हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ट्वेंटी आई आप सही हैं, ये तो आपका सही है, ये ज़रा देख लें माइनस फाइव जे ये भी आप सही हैं, और लास्ट में माइनस फोर के आप सही हैं। क्योंकि जो लास्ट ईयर पढ़े हैं उन्होंने ऐसे कई क्वेश्चन किए होंगे, मुझे ऐसा अंदाज है, नहीं किए थे हाँ। तो मैं एकदम मज़ेदार बात आऊँ, जो मैं सारे क्वेश्चन पिछले साल की शीट में ही से तो करा रहा हूँ, नए थोड़ा ना करा रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई नए करा रहा हूँ, पिछले साल जो मैं शीट कराई थी उसी में से करा रहा हूँ, बस ये पिछली बार ज़्यादा थे अब सिलेक्ट करके दो दो एक 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 कर लिए हैं, बस नए कहाँ से बना के लाऊँगा, सही है ना, नए थोड़े ना बनाए जाते हैं भाई, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन थे उन्हीं को रिपीट कर दिया है, बताएं। अब मलखान सिंह आ गया क्लियर, एक और नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब की बार आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे थे, ज़रा देखें रिजोल्यूशन वेक्टर में आपसे कह रहा है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, कितना फोर्स दिया है आपको, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी क्या है समझ में आ रहा है। मेरा सीधा सवाल है एफ और थीटा गिवन है, और अगर एफ और थीटा गिवन है तो कह रहा है कैलकुलेट दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट, आ जाओ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, चलो मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा, बढ़िया। तो अब एक काम करेंगे, आर के बजाय फोर्स है तो अपन उसको रोर्स नहीं फोर्स पढ़ेंगे, आर से तो रोर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फोर्स पढ़ना ठीक है। एफ एक्स कर लो एफ एफ कॉस थीटा, और लास्ट सवाल कितना होगा, एफ कितना दिया था आपको 20 और कॉस 30, कॉस 30 वैल्यू सबको याद है भैया, हाँ याद रखना, क्योंकि एक आधा आदमी ऐसा आ जाता है बोले साइन कॉस 30 नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं हो सकता, हमें तो रोज़ लड़ना है इनसे, ये तो घर से तीन बार इनका घोंट के आओ चवन प्राश की तरह, हाँ तो और क्या, कितना हो जाएगा 10 रूट थ्री, बढ़िया। तो हम इसको लिखेंगे तो भैया यही चाहिए, रूट थ्री की वैल्यू याद हो 1.732। अब ट्वेल्थ वाला ये नहीं कह सकता कि मैं रूट टू और रूट थ्री नहीं याद है, नहीं याद है तो कर लेने चाहिए उसे, सही है। और ज़रा चले आओ वाई कंपोनेंट कितना बताओगे, एफ साइन थीटा, ये लास्ट चरण पे लिखा रहे थे है ना, चलें कर दें, एफ आपको दिया है 20 और साइन 30 कितना होगा, साइन 30 1/2, तो कुल मिला के कितने हो गए, हो गया एक एक लाइन के सवाल है, केवल फॉर्मूले आपको एक बार याद बने रहे इसलिए किए गए, सवालों को नहीं करना ना नाइन को तुमसे कोई पूछेगा, केवल टारगेट क्या है कि आपको फॉर्मूले
दोनों क्लियर हो जाए। जो था अब ये याद आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कॉस और साइन में कोई डाउट कर दिया। चलें आगे की तरफ और एक ट्राई करें ज़रा। आगे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वाई कंपोनेंट ये दिया हुआ है, कैलकुलेट एक्स कंपोनेंट। क्या हम कर सकते हैं, क्या दिया है ज़रा बताओ फुर्ती से। वी दिया हुआ है, कितना दिया है, ओके। और क्या दिया है, वी वाई, बढ़िया। वाई कंपोनेंट दिया हुआ है 5√2, और जानना क्या चाह रहा है, एक्स कंपोनेंट जानना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, ये जानना चाह रहा है क्या करेंगे, पहले जो गिवन है उसका कान ही लगाएं। चलें बताएं वी वाई का फॉर्मूला फुर्ती से है, पहले डिसाइड करो साइन के कॉस, पक्का साइन, क्यों तो तुम गलत बताओगे तो मैं तो गलत ही लिख दूंगा, सेव किया कह दूंगा, तुम जानो। हाँ लिख दिया वी आई ब्रा और वी साइन थीटा, कितना हो जाएगा आपका, पाँच दूनी दस तो सबको आते हैं ना, यानी साइन थीटा कितनी हो जाएगी आपकी, √2 के 1/√2 देखना है निकाल के। वी एक्स आपका सही आ रहा है, यहाँ बेचारों के साइन थीटा नहीं निकाल रहा, तुम वी एक्स निकालने चले गए, बताओ कोई दिक्कत नहीं, उससे भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। √2 बेटा कैसे आएगा जरा मुझे समझाओ, अच्छा अब 1/√2 हो गया। मैंने कोई गलत थोड़े लिखा है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम भी वैसे ही करेंगे जो तुम करते हो, ऐसा मत कर देना। कितना हो जाएगा, तो आपकी थीटा कितनी निकल आएगी, इसलिए मैंने कहा था साइन और कॉस की वैल्यू याद हो, अब उनमें कोई रट्टा है ही नहीं, और थीटा 45 कर देंगे तो फिर आपके लिए अगली बार क्या 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 बचेगा, आपका वी एक्स हो जाएगा वी, चले जाओ कितना था ये वी 10 था, कॉस 45 फिर 1/√2 हो जाएगी, और फिर आप ध्यान देखना कितना हो जाएगा वेलोसिटी दी, शायद ऑप्शनल मेथड भी आपका बढ़िया है, अगर किसी को वो फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है, इसलिए हम जाते हैं मेथड नंबर सेकंड। और मेथड नंबर सेकंड क्या था, ये आपको मालूम है आर बराबर था √RX² + RY² यही था, इसका मतलब आप ध्यान देखें आपको 10 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू √VX, ने VX निकालना है और VY² यानी कहा जाए इसकी हेल्प से भी आप आराम से VX कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपका कितना आ जाएगा वो डायरेक्टली दिख जाता है कैसे आ जाएगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो दोनों मेथड है, कैलकुलेशन दोनों में करनी पड़ेगी, ये तय है। इसको मैंने इसलिए प्रेफर किया था क्या, ताकि आपको एक बार साइन और कॉस कंपोनेंट की वो मालूम हो जाए कौन सा कहाँ लगेगा, और ख़ास बात वैल्यूज पता हो। क्या आपने इतना कर दिया है ना बताएं, और जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं नहीं है तो उनके क्वेश्चंस हम बताएं PDF से उसके ऊपर लिख दीजिएगा, बेहतर रहोगे, ठीक है ना। कर दिया, नेक्स्ट एक ज़रा देखें। अगला कह रहा है एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, क्या गिवन है मुझे बताएं, थीटा गिवन है, बढ़िया। और आगे चले जाइएगा, आगे क्या कह रहा है,
इफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कौन सी एक्सेस होगी, है हॉरिजेंटल वाई होगी, तो वर्टिकल किधर होगा? तुम लोग कंफ्यूज कर दोगे यार हमें, बोले ये हॉरिजेंटल है, तुमने वर्टिकल किधर है, बोले वर्टिकल सर ढूंढ रहे हैं तब से मिल नहीं रही। हाँ कौन सी एक्सेस होगी हॉरिजेंटल वाली, एक्स एक्सेस होगी, बढ़िया। क्या क्या के मैंने लिखे, 40 से थीटा 30। अब हमसे मत आशा करना, हम नहीं लिख रहे हैं, वहाँ तो पहले वैसे हमने जेब में रख लिया। करते हैं 40 से थीटा 30 dr दिया हुआ है, वेलोसिटी अलोंग द ओरिएंटल दिया है, अलोंग द ओरिएंटल मतलब कौन सी है, कॉम्पोनेंट दिया है एक्स, बढ़िया वी एक्स। और फिर मैंने कहा ये सवाल पिछले साल ही शीट गए यार, कम से कम आधे लोगों तो वैसे ही हो जाने चाहिए। वी एक्स कितना दिया हुआ है आपका 200, और क्या कह रहा है एक्चुअल वेलोसिटी जानना चाहता है और फिर वर्टिकल कंपोनेंट। तो बताएं वी एक्स का क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, वी एक्स इज इक्वल्स टू कंपोनेंट, वी एक्स कितना होता है लगा दें फिर क्या दिक्कत है, फिर कहा बचे लगा दो, वी कॉस थीटा बराबर 200 दिया है, देख लें वी आपका कितना आएगा, यही है आ गया। शर्मा जी नहीं आया, ठीक कर आ गया, अलग नहीं आया, क्या नाम क्या था आपका, प्रशांत, क्या लिखा तुमने मुझे बताओ, पहले से बताओ क्या क्या गिवन है, फुर्ती से इस क्वेश्चन बताओ, थीटा गिवन है और एक्स कंपोनेंट यानी वी एक्स गिवन है, बढ़िया। वी एक्स का फॉर्मूला बताएं, पक्का लास्ट टर्न पे थे नहीं थे, थे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल घर जाके पढ़ा था कि नहीं, पक्का तो बेटा पढ़ते रहना क्योंकि पिछला भूल गए तो यार सब साफ हो जाएगा। क्या है आपके साथ पूरा एक साल का गैप है, वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा रख दो, वी एक्स कितना दिया हुआ है तुम्हें, वी आपको निकालना है कॉस 30, और लास्ट सवाल कॉस 30 वैल्यू आपको याद है या नहीं, बस तो रख दें फिर क्या नहीं आ रहा, उसमें इतना टाइम मत लगाओ, सब ओरल क्वेश्चन है बेटा, एक एक सेकंड में इनके आंसर निकलें। तो इधर बहुत ज़बरदस्त जंग लड़नी है, मिल गया, हाँ ना बताए मिल गई एक्चुअल वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू, चलो मैं मारने चलता हूँ, मिली जाएगी। और लास्ट अगला कह रहा है आप इसका पता लगाएं, वर्टिकल कंपोनेंट पता लगाएं, लगाओ वर्टिकल कंपोनेंट, क्या लगाओगे वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला, लगा दें वी साइन थीटा 40 से, करते जाएं, उससे निकाल लो, उससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं जल्दी निकाल आएगा, साइन कॉस वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ आपको बता रहे हैं। चलो आ गया तुम्हारा वाला, कहीं आया है वी बाई टू कौन सा, हाँ कितना निकला वी, वी वाई इज इक्वल्स टू तुम्हें सवाल नहीं पढ़ा मुझे लग रहा है, बेटा सवाल पढ़ो ना, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो, वर्टिकल कंपोनेंट काहे से लिखोगे वर्टिकल कंपोनेंट, वी एक्स, ये एक्स वर्टिकल होती है क्या, समझा रहे बेटा, क्या है मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, वो उसमें बुरा नहीं मानना, क्या है मैं तो जो अभी आपका स्टैंडर्ड है वो 12th लायक है नहीं, घर पे बैठे और जो पढ़ा रहा हूँ उसको कवर अप करें नहीं तो अटक जाओगे। ये सारी चीज़ें ओरिजेंटल वर्टिकल एक्स वाई सब हमने कल डिस्कस किए, लास्ट राउंड में थे नहीं थे तो ये समझ में आ रहा होगा, तो तुम्हें हमारी बात में शक हो तो पड़ोस वालों में पूछ लेना, बताएंगे हाँ
आपका स्टैंडर्ड 12th को मैच नहीं कर पाएगा, तो वही रह जाओगे परीक्षा बोर्ड पर रट रटा के लास्ट में पास होने पे। क्योंकि ये पता हो बिल्कुल एक्स कौन सी एक्सेस है भैया, वाई कौन सी है, वर्टिकल कौन सा है, ओरिएंटल कौन सा है। दिक्कत ये 11th नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? ठीक है सर, पढ़ा था बेटा। तो शुरू के दो तीन चैप्टर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो बेटा एक बात बताओ, अगर तुमने दो तीन चैप्टर पढ़े थे तो एक बिल्कुल सामान्य सवाल पूछ लेता हूँ। मोशन इन ए प्लेन पढ़ा होगा, दूसरा ही तीसरा चैप्टर है। मोशन इन ए प्लेन की शुरुआत ही यहाँ से होती है। मोशन इन ए प्लेन का पहला स्टेटमेंट ये आता है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी यू देन इट इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। कम से कम 20 सवाल इस पे किए होंगे, और दो कंपोनेंट यू एक्स और यू आई, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू आई बराबर यू साइन थीटा। बताओ शुरुआत यहाँ से की थी कि नहीं की थी? अब तुम बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में अगर लटक रहे हो तो इसका मतलब ये तो फिर तुम्हारा पढ़ना बेकार गया बिल्कुल। मैं सही कह रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन इसी पे बेस्ड था। चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट का लो, किसी को टाइम ऑफ फ्लाइट या ऐसा किसी का डेरिवेशन याद है थोड़ा बहुत मोटा तौर पर, किसी को हल्का सा ध्यान हो? टू यू साइन थीटा, जो सही कह रहे हैं आपने ध्यान दिया, उसमें अपन करते क्या था, उसमें शुरुआत ही जो थी वर्टिकल वेलोसिटी बराबर यू आई बराबर यू साइन थीटा। क्यों, मैंने कहा अगर आपने पढ़ी है फिजिक्स फिर तो बहुत गजब है। तो बेटा ये बता रहा है तुमने पढ़ते हुए नहीं पढ़ी, ये बहुत खतरनाक मामला हो गया। क्यों, देखो जिसने नहीं पढ़ी वो तो बच सकता है, बोले सर हमने पढ़ी ही नहीं। ठीक है, मतलब पढ़ेगा तो चांस बनते हैं, पर अगर तुम पढ़ने के बाद यहाँ रह गए तो पढ़ने का पैटर्न सही करो चीज़ों में। घर जाके बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से समझें, और बिल्कुल डाटा याद हो, क्यों मैंने आपको याद दिला दिया कि आपने शुरुआत में ये पढ़ा होगा, बिना इसके होगा ही नहीं। वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे, सबसे पहले वर्क की पहली डेफिनेशन, वर्क एनर्जी पावर के पहले चैप्टर की डेफिनेशन यहीं से आती है कि आप फोर्स लगा रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। हाँ ये हो सकता है मैंने एस माना था, किसी ने एक्स माना हो, ये मैं मान सकता हूँ। नोटेशन अलग हो सकते हैं, कोई आर मान लेता है। याद आता है वर्क की डेफिनेशन, दो कंपोनेंट किए होंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, फिर कहा होगा आर कॉस थीटा इसके अलोंग है इसलिए आप लेंगे एफ आर कॉस थीटा, फिर आपने लिया होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर। जिन्हें शंका हो पिछले साल का वर्क एनर्जी पावर का रजिस्टर खोल लो, पहले पेज पे पहले पैराग्राफ में चैप्टर के यही डेफिनेशन लिखी है, यानी ये लाइन आपको तीसरी लाइन में मिल जाएगी। पहली दो लाइनें तो होंगी, इफ फोर्सेज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड देन इट इज़ वर्क डन। इसलिए मैंने कहा बेटा अगर पढ़ने के बाद ये गड़बड़ है तो बहुत घातक गड़बड़ है, कवर अप करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये सारी चीज़ें तो अपने को पता हुई, नहीं तो वो तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। सही है ना? इसलिए मैंने याद ज़रूर दिला दिया कि आपकी शुरुआत ही लास्ट ईयर 11th, तभी तो 11th वालों 11th वाले यहाँ अटकते हैं ना। 11th पढ़ के आए होते ये मैं ये टॉपिक मैंने कभी नहीं पढ़ाया बताऊँ 12th में। क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? क्योंकि नॉर्मल है, 11th जो पढ़ के आता था वो सब पढ़ के आता था, यू एक्स यू आई यू कॉस थीटा तीसरे चैप्टर से चालू हो जाते हैं ना। इस बार हमने इसलिए पढ़ा दिए क्यों पिछले साल डिस्टर्बेंस लोगों बहुत ज़्यादा रहा, बहुत सारे बोले कोरोना में कोचिंग नहीं मिली, किसी को कुछ हुआ, कोई बोला सर पढ़ तो रहे थे पर हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, समझ आ रहा है? तो आप क्या निकालना चाह रहे हो ज़रा क्वेश्चन बुझाओ। आपसे कह रहा है फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट आप चेक करो, कल की कॉपी देखो, कल की कल का लिखा हुआ चेक करो। यही वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी लिखी है, है? फॉर्मूला क्या दिया है वर्टिकल कंपोनेंट का? फॉर्मूला क्या दिया है? अरे दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, कल ही लिखा रहा था। अब तो इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा, तो सिलेक्टेड होते होते पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो इसलिए कहा बेटा, इसलिए कह रहा हूँ, समझ आया? ये घर से याद करके आइएगा अभी हम, क्योंकि मैंने चले बाकी लोग बात नहीं करें बेटा, एक चीज़ में झंझट में फंस जाएंगे तो मैं साफ बता देता हूँ, और हमारे यहाँ नहीं मेरा अंदाज़ हर टीचर के यहाँ फंसोगे। क्या है ये चीज़ें कोई भी टीचर रोज़ नहीं बता पाएगा, और क्यों नहीं बता पाएगा उसका कारण है आधे से ज़्यादा लोग
बता देंगे। जैसे उन्होंने कहा वी वाई कितना होता है, अब सब बोल पड़े वी साइन थीटा, खत्म हो गई बात। क्या है ये, आपको इसलिए दो चार टर्न दिए गए इनको, बिल्कुल घर से याद करके ही आए, इनमें एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम टेस्ट वेस्ट लेंगे तब पढ़ेंगे, इनमें ना टेस्ट होना है ना वो, ना कुछ होना है, इनके तो डेली टेस्ट हुआ करेंगे। बस लगाए अगला वी वाई बराबर वी साइन थीटा, निकल आया बाकी लोगों का, हाँ ना मुझे बताएं। तो आ गया विजय प्रशांत सिंह, अब क्या नहीं आ रहा, अब बताओ। ऐ जी की वैल्यू कितनी आ रही होगी उसमें, कॉस 30 तूने कितना रखा है, रूट सी वाई रखा है बस, फिर क्या है 200 दूनी 400 अपॉन रूट 3, फिर कहाँ अटके। निकल आया सेकंड वाला, दूसरा देखें दूसरा कितना आया, 200/√3 आ जाएगा, सही है बढ़िया। और एक काम कीजिएगा, जो का जो एक्चुअल चीज़ मुझे बतानी है वो बस बता दूंगा, ये ज़रूर लिख दीजिएगा क्यों भैया, फिर याद दिलाएं। हमारे यहाँ पिछले साल पहला चैप्टर मेजरमेंट ही था जो आपको सिखाता था कि यू हैव टू राइट द यूनिट्स, सही है। और आगे बढ़ते हैं फुर्ती से, चलें एक अगला चले आए। पार्टिकल मूव करता है 5 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताएं कितना होगा, देख लें क्वेश्चन मजे से और बताएं फुर्ती से। पार्टिकल मूव्स 5 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी, बताओ। चलो प्रशांत सिंह तुम्हें बताओ, 5i कैसे एक्सेस चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं एक महान बात बताऊँ, अभी आज के बैच की शुरुआत में यही तो बता रहा था, 5 न्यूटन इधर है उधर है, उसको आप कैसे लिखोगे, आई कैप लिखोगे, बढ़िया। और बता देता हूँ क्योंकि मेरा काम यहाँ है क्वेश्चन कराना नहीं है, मैं फिर रिपीट करा दूँ, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा है तो सिखा रहा हूँ, इनका ना टेस्ट होना है ना कहीं पूछेगा। अगर मान चलो यही नेगेटिव एक्स होता तो आपका आंसर हो जाता -5i कैप, अगर कहीं होगा तो, ये अगर वाई एक्सेस होता तो आपका हो जाता 5j कैप, और जेड एक्सेस में चले जाते तो k कैप हो जाता, तो इसलिए उनका बिल्कुल। और एक नेक्स्ट जाए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 3, 2, 5 दी है, आपके किसी पार्टिकल की पोजीशन कितनी दी है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 2, 5, 3, 2। अब आप देख लें वेक्टर आपका इनका क्या होगा, भी होगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है ना, उसमें कुछ करने के लिए ही नहीं, बताओ समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ, देख लो अपने आप देख रहा है, एक्स दिया है भैया, कोऑर्डिनेट सबको पता होते हैं एक्स वाई जेड, और मैं रिपीट इट, आई एम रिपीटिंग इट, इतनी छोटी बातें बट आपको पता हूँ ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि अब आप जी नहीं क्यों नहीं लगेगी, नहीं किस में इस वाली बात कर रहे हो, 5 मीटर नहीं, उसमें जो हमने डिस्प्लेसमेंट केवल उसके तौर पे पूछा है, किसके तौर पे, वेक्टर फॉर्मेट के तौर पे क्या होगा। जब आप आंसर लिख रहे होंगे किसी चीज़ का तो आपको लिखना ही पड़ेगा, न्यूटन मीटर जो भी आप लिख रहे होंगे, और आगे जाओगे हम कहते हैं न्यूटन पर कूलॉम, टेस्ला, फ्लक्स की वेबर आएंगी, जो भी यूनिट्स आएंगी। तो मैंने कहा ये छोटी चीज़ें आप बताओ, 3, 2, 5 भैया कौन से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि इनमें बताना इतना शुरू से बहुत मुश्किल होगा, आई कैप जे कैप के कैप, आप सही कह रहे हैं, ये रहा आंसर। नेक्स्ट एक चले आइएगा, अगला कह रहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक पार्टिकल आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, मुझे बताएं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और दूसरी बढ़िया सही कह रहे हैं आप, और इसलिए मैं बता दूं, एक छोटी चीज़ और मुझे याद आई, एक थोड़ा आप ये देखें कि जो 11th पढ़े हैं वो आपसे इतने आगे हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी आप रिकवर कर सकते हैं। पहली बात तो आपको अच्छा फीलिंग आएगी कि आपने पिछले साल फीस खर्च की वो काम में आई देखो सीधी सी बात और दूसरा तुम्हें ये एहसास हो जाए कि हम जो हैं पीछे हैं तो हमें ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दौड़े बैठे हैं, तो इसलिए आपको तेज़ दौड़ना पड़ेगा।
कैसे निकालोगे? हमने कहा भैया कोई चीज़ यहाँ से यहाँ जाती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, बहुत कॉमन सेंस से निकाला आएगा अगर हमें डिस्प्लेसमेंट याद है। तो मैं एक साधारण सवाल पूछ लेता हूँ, कोई आदमी 100 मीटर पर खड़ा था और 120 मीटर पर पहुँच गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 20। कैसे निकाल लिया? तो बस देखो ध्यान से, देख तो रहा है पहले कहाँ था, पी पे था और पी का मतलब ये था, अब ये बात कहना कैसे लिखा क्योंकि हम पीछे ही जस्ट पिछले क्वेश्चन में दे चुके हैं, कहाँ पहुंच गया? और 12th में हो, कोई जरूरी नहीं है नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट ही किया जाए, कर सकते हो इतना सब्ट्रैक्ट, यहाँ यहाँ से यहाँ पहुंच गया कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 3 में से 2 गए, 4 में से 3 गए और 5 में से 5 गए, ख़त्म। दैट्स ऑल, हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसलिए लगा था क्वेश्चन कराने थोड़ा ना है, यहाँ कराने का टारगेट नहीं है, आप सोचो हम क्वेश्चन करेंगे ये नहीं पढ़ा रहे, ये तो बस देखते जाएँ और सीखते जाएँ, इसलिए नहीं घर जा कह रहा हूँ रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट एक बताएं अगला, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। एक आपका फोर्स काम कर रहा है 5 न्यूटन किसी पार्टिकल पे काम कर रहा है, डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? आए देखें ध्यान से, एक सेकंड इधर, इस क्वेश्चन में आप अटकेंगे बहुत सारे लोग, कोई मुझे बताएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? फाइव रूट थ्री बाई टू, सही कह रहे हैं पर थोड़ा सा गलत है, टू पॉइंट फाइव, ये जवाब सही है, नहीं ऑप्शन छोड़ो तुम तो जवाबों पे जाओ। ऑप्शंस की चर्चा मत करो, ऑप्शन तो कई बार मिसप्रिंट हो जाते हैं, मिसटाइप हो जाते हैं, कई बार कंप्यूटर है कट भी जाते हैं, पता ए बी तक जाए बाकी सी ओ डी गायब ही हो गए। आए पहले देखें फोर्स है कहाँ, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है, सही है यही दिया हुआ, और इसलिए फिर एक सवाल पूछूंगा, इधर बहुत ध्यान से देखना, इधर इधर गौतम बात मत करना, क्योंकि मैंने कहा जितना मैंने आप पढ़ाया है उसका एक एक अक्षर कीमत रखता है इस समय जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय वेक्टर 15 दिन नहीं पढ़ा, इस समय 2 दिन में ही ख़त्म किए हैं, तो अब यहाँ तो आप एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, क्यों तो बिल्कुल डायमंड छटे हुए रखें, इनको छोड़ा तो हर एक छोड़ने के साथ कुछ ना कुछ लॉस है। क्या कह रहा है आपका, एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है एक्टिंग ऑन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, और फिर मेरा सवाल वर्टिकल और हॉरिजेंटल तो भैया पता है, इनमें मत गड़बड़ाना क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजेंटल वेलोसिटी पे ही हमने पूरे प्रोजेक्टाइल वे सब पढ़े। बढ़िया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, विद द वर्टिकल, इसलिए मैंने लास्ट टर्न भी कहा था मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा और यहाँ कुछ मत छोड़िएगा, जो छोड़ रहे हो मैं दिखा दूंगा ये छोड़ा था इसलिए अटके बैठे हो, ये हो गया। अब मेरा एक सीधा सवाल है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा एक ये कंपोनेंट होगा, ज़रा कॉपी चेक करो, मैंने दो कंपोनेंट लिखाए होंगे, ज़रा देखना, परपेंडिकुलर और बेस कंपोनेंट लिखे होंगे, अब आप सही हैं, आ गया समझ में, ये थीटा इधर है तो बेस ये होगा इसलिए ये कंपोनेंट होगा, चलो फिलहाल मैं थीटा लिख देता हूँ, थीटा तो मालूम है 60 है, और ये आपका कौन सा कंपोनेंट है दिख रहा है, क्यों मैं ध्यान दिला देता हूँ, ये इस समय परपेंडिकुलर है, इस समय ये बेस नहीं है, इस समय परपेंडिकुलर है और ये आपकी क्या है, ये बेस है, बाकी हमने कहा आप कॉस 61/2 होता है ना 5/2, ये डायरेक्ट निकलेगा, वो आपका √3/2 होता है तो 5√3/2 वो डायरेक्ट निकल आएगा, मिल जाता है, फिगर बना के दोनों दिखा दें। सही है, इसलिए कह रहा हूँ जो लिखा है बस उसको एकदम तैयारी होना है उसमें, जहाँ तैयार नहीं है वहीं आप एक जगह कहीं अटक जाएंगे आगे, इसलिए कहा था सिलेक्टेड ही पढ़ाया है और सिलेक्टेड ही क्वेश्चन कराए।
पिछले साल वेक्टर अलजेब्रा में कितने क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने? कम से कम 40-45 किए होंगे, सही कह रहे हो। मिल गया डायग्राम, खड़ा जो डायग्राम बनाए, और देखो समझदार लोग कौन कहलाते हैं बता दो। समझदार होगा जो डायग्राम बना देगा, फुर्ती से सॉल्व कर देगा, इस क्वेश्चन के लिए दो लाइनें छोड़ देगा। अब इधर देखें, जो लोग पिछले साल प्रॉपर नहीं पढ़े, चाहे हमारे यहाँ रहे हों चाहे कहीं और रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मैं फिर पढ़ने का मेथड बता देता हूँ। बेटा पढ़ता वही है जो खुद पढ़ता है, और जो हवाए भरोसे रहता है कहीं ठेके वाली पद्धति पर, सर वी आर साइनिंग एन कॉन्ट्रैक्ट पेपर, मैंने कहा लाओ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में हमने उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बोले मैं आपको 8,000 दे रहा हूँ, अब बोले 90 नंबर कन्फर्म। तो ठेके पद्धति बेटा पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई वो महान चीज़ है, हम ही पैसे भी हम लेंगे और पढ़ेंगे भी हम नहीं। कहीं सुना है मकान का ठेका कभी ऐसा दिया जाए ठेकेदार पैसे भी ले जाए और फिर कहे मकान बनाओ, रहना है तो बना लो, खुद ही बनाना पड़ेगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ ठेकेदार पैसे भी लेगा और उसके बाद बता देगा बनाओ खुद। इसलिए मैंने कहा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, जो लोग हम बता दें भैया पढ़ने के इच्छुक हैं, एग्जैक्ट जैसे पढ़ना कहते हैं, PDF फाइल्स आपके पास शोन है, वीडियोग्राफ वीडियोज़ आपको शेयर हो जाते हैं, क्वेश्चन का ये लिया ऊपर का हिस्सा, दो लाइनें छोड़ी, घर जाके उस क्वेश्चन को एक बार लिखें, दोनों में से एक मेथड से दोबारा एक बार देख लें, सॉल्व कर लें, घर पर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक आ जाए ज़रा, वेक्टर है डायरेक्शन कोसाइंस वाला, इस पर दूर बात चलते हैं। अब ये था आपका, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखें क्या कह रहा है। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर दिस एंड दिस, और वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी कर चुके हैं पिछले सालों में, क्या कह रहा है कौन सा वैक्टर है जो इन दोनों में ऐड किया जाए और क्यों ऐड किया जाए, सो दैट द रिजल्टेंट इज़ ए यूनिट वैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। और इसीलिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है आपके लिए इस साल फिर से, क्योंकि आपको ये दिख जाए, हम मान चलेंगे द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, कौन सा वेक्टर ऐड करें, मैंने मान लिया वेक्टर एक्स ऐड करोगे, किस में ऐड करना है, एडेड टू दिस एंड दिस कर दो ऐड, ठीक है के हो जाएगा, इतना अंदाज लगा लेना। यही कह रहा है कौन सा वेक्टर इन दोनों में ऐड करोगे, तो हमने मान लिया कौन सा ऐड करोगे, एक्स ऐड कर दोगे, कर दो, सो दैट द रिजल्टेंट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। कोई मुझे बताएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कौन सा होता है? ये आई जे के क्या होते हैं, उल्टा पूछ लेता हूँ, ये आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर है कौन से? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ भैया, वाई एक्सेस पे यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जे होता है, ख़त्म बात। मैं भी यही पूछ रहा हूँ, मैंने और कोई नई चीज़ थोड़ा पूछी है, ये तो पूछ रहा हूँ यूनिट वेक्टर है लॉन्ग दी वाई एक्सेस कौन सा होता है। वो मुझे लग रहा है आज सबसे शुरुआत में तुमने लिस्ट बनाई होगी अलोंग एक्स अलोंग वाई और अलोंग जेड वाली, यानी इन सबका आंसर कितना आना चाहिए, नहीं निकाल पाओगे? मेरे हिसाब से तो ओरल निकल आएगा, जरा मुझे निकालते हुए देख लो, क्योंकि मेरा मानना है अब आप 12th में, अब आपको ऐसे निकालना चाहिए। कितने आई हो रहे हैं? 4 आई हो रहे हैं, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। जे कितने हो रहे हैं? -3 और +6, कितने बचे? +3, उधर जाके करो माइनस, -3 और +1 कितने बचेंगे? अब हैं फिर से चेक करो एक बार, -3 ये थे और +6 ये हैं, -3 + 6 कितना बचा? +3 बचा ना, +3 उधर जाके -3 होगा, -3 और 1, ये मैंने कहा भैया जोड़ना घटाना आता हो, कोई ये नहीं कहना 2 और 3 कितने होते हैं, हम निकाल रहे हैं, मैंने कहा तुम निकालो आराम से। हाँ के चेक कर लो, के कितने हो रहे हैं? 2 और -7 कितने बचे?
माइनस फाइव उधर जाके हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा मेरा तो आंसर ही हो गया खत्म। आगे मेरी बात समझ में? तो इसलिए कहते हैं इन क्वेश्चंस को नहीं करना, इनके माध्यम से ये चीज़ें आपको बस अब याद हो जाए। मेन ये है कि मैं पूछूं यूनिट वेक्टर है, लॉन्ग एक्स क्या है, लॉन्ग वाई क्या है, या कोई और चीज़ पूछता हूं तो आपको तुरंत समझ में आए। हो गया कंप्लीट? जोड़ना घटाना कर लोगे? कर दिया। और एक नेक्स्ट बढ़े अगला, चले इस बात स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। अब एक अगला काम कर लेते हैं, पहले देख लें आई जी और के क्लियर हो गए थे, हाँ है ना। अब आप एक नेक्स्ट बढ़िएगा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, एक सिंबल हेडिंग डाल देना स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। बस लगभग हम एंड पे आ चुके हैं वेक्टर एलजेब्रा के। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी, पहले दो बातें समझाता हूँ, उनको बहुत ध्यान से सुनना। आपने वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह देख लिया, हम बात करेंगे वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की, या आप कह सकते हैं काई की बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। जब वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हो तो इतना ध्यान आ गया होगा, पिछले टर्न पे हमने ये क्लियर कर दिया था कि वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 वेक्टर 7 नहीं होता। कभी कभार हो भी जाता है संयोग से, बट नहीं होता, ये कन्फर्म है। वो तो कुछ तो भी 5 या 6 या 4 कुछ तो भी निकलेगा। तो इसका मतलब अगर वेक्टर का एडिशन अलग थलग है तो फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कुछ अलग ही आना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अलग थलग आना चाहिए। तो इसमें सबसे महान बात तो पहली ही आती है कि एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो टाइप के होते हैं। इनमें से एक प्रोडक्ट आपके लिए कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, जो आपके लिए रहता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होते हैं ए बी कॉस थीटा। और ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर आपका दूसरे तरह का प्रोडक्ट कहलाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो आपके लिए होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में कुछ और भी होता है। साथ में क्या होता है, है? हाँ ऐसा अकेला एन नहीं, इसकी चर्चा दो और बात करेंगे। पहली बात इसकी बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कहलाया करता था। तो जो पहली बात मैंने बताई हो, तो पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि वेक्टर के प्रोडक्ट ही दो टाइप के हो जाते हैं। अरे कुछ मत लिखो बेटा, मेरे इधर ध्यान रखो, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखो जब मैं बात कर रहा हूँ। लिखने के लिए पीडीएफ शीट मौजूद है आपके ग्रुप में, आप ग्रुप में एडेड है नहीं है? क्यों है फ़ोन नहीं है? क्यों फ़ोन का घर में फ़ोन नहीं किसी पर? अरे तो घर में किसी पास तो बेटा फ़ोन होगा। किसी पास नहीं क्या फोन, मुझे बताओ। डॉट प्रोडक्ट पे मैं बात कर रहा था, ए डॉट बी आप ए बी कॉस थीटा ले रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट था, और ए क्रॉस बी आपका क्या था, वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है मैं याद दिलाता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट में पहले 11th का याद दिलाता हूँ, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। 11th में जो आप चैप्टर इस्तेमाल करते थे, सिंपल चैप्टर याद दिलाता हूँ, वर्क पावर एनर्जी, क्या आपको ध्यान है? आप W इज इक्वल्स टू लिखते थे वेक्टर F डॉट वेक्टर S। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका टीचर कोई और रहा हो तो आपने वेक्टर R लिखा हो, पोजीशन के लिए S भी ले लेते हैं A भी ले लेते हैं, और इसीलिए इसका फॉर्मूला ही होता था। और मैं बात कर रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर के पहले पेज की, मैं कहीं अंदर भी नहीं घुसा, पहले पेज पर यही आता है। और इसी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को याद आएगा, हमारे पास तीन तरह के वर्क डन थे, जो आप बताते थे अगर एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है कॉस थीटा पॉजिटिव होगी, ऑब्ट्यूस एंगल है कॉस थीटा नेगेटिव होगी, परपेंडिकुलर है तो ज़ीरो होगी। ये डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमने लास्ट ईयर किया था, इसीलिए आपको ताकि ये पता चल जाए हम पढ़ा क्यों रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैं याद दिलाता हूँ, आप लोगों को याद आएगा लास्ट में आपने टॉर्क पढ़ा होगा, और टॉर्क होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। और जब इसमें डायरेक्शन जाते हैं तो इसमें डायरेक्शन के लिए, बोलो क्या हुआ हिमांशु तुमने नहीं पढ़ा?
तो मैंने कहा आर क्रॉस एफ करोगे तो मैंने कहा अगली अगला सवाल जाएगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डिसाइडेड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। घर जाके अपनी कॉपियां चेक करें, जिन्होंने 11th पढ़ा है यही सेंटेंस यही वर्ड लिखे हुए मिलेंगे। अब सवाल आता है, अभी फ़िलहाल हम आपके लिए ये तो मैंने जिन्होंने पढ़ा है उन्हें याद दिला दिया, मैं आपके लिए यहाँ से ये चीज़ बता देता हूँ, जब आप वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इस्तेमाल करेंगे दो वेक्टर का ये प्रोडक्ट वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ हमें रिजल्ट में कौन सी क्वांटिटी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी चाहिए। ये अब बाकी सारे लोगों को बता देता हूँ, इसको आप छोड़ दें, हमें अब इसके नए एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हम अब एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया सरफेस एरिया, या हम लेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट। किसी को 10th का याद हो तो आपको याद आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर आपकी कौन सी क्वांटिटी आएगी, स्केलर, और जिस फॉर्मूले से आप इसे देंगे अभी आपको याद ही होना है, और उसमें एक्सक्यूज़ नहीं कि हमने आप 11th में नहीं पढ़ा, कि हमने यहाँ नहीं पढ़ा, कि हम भूल गए, कि हम रिवाइज़ नहीं कर पाए, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देंगे बेटा, हम ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आए एक काम करें, छोटा सा एक हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डाल दें, हेडिंग डालें आप प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आप जाइएगा, इसमें आप दिखाएंगे कौन सी चीज़, मैं बताते आ रहा हूँ, तुम नोट कर दो, मैं अभी हाल बता देता हूँ। मैं तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डाल दिया, वो भी दोबारा रिपीट हो जाएगा। नंबर ए डालिएगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, नंबर ए आप जाएंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले आप बताएंगे, इसमें नीचे बताएगा इट्स रिजल्टेंट, डॉट प्रोडक्ट में आप बताएंगे इट्स रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली चीज़, इसलिए मैंने कहा आप, मैं शुरू से बताता हूँ, मैंने ये बीच का एग्जांपल इसलिए याद दिलाया था जो कि जिन्होंने पढ़ा है उन्हें यहाँ से याद आ जाएगा। अब मैं आपके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बता दूँ, दो वेक्टर्स का आप ऐसा प्रोडक्ट करते हैं जिसका रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, मैं इसे डॉट से डिनोट करूँगा, पहली मेरी बात समझ में आती है। पहली बात तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने कहा स्केलर क्वांटिटी आएगी। एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल, अब आप ये, अब जो मैंने कहा अब ये आपका दायित्व है, जरा ऐसा देखें, आपको स्केलर्स के नाम लिखाए होंगे 4-5, पीछे पलटें स्केलर्स के नाम देखो, क्या आपके स्केलर्स में वर्क शामिल है, क्या आपके वर्क में स्पीड स्पीड छोड़ो तो बच्चों वाले मामले हैं, क्या आपके उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है, क्या आपकी स्केलर क्वांटिटीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है, मेरी बात समझ आ रही है। मैंने कहा आपने पहले क्या नहीं पढ़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो खतरा है। क्या ये तीनों स्केलर में, मैं इन तीनों को आपको दिखाता हूँ, ध्यान देखना, वर्क आप लिखते हैं, चलो और डॉट आर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब ये भी चिंता मत करना आर एस और ये क्या है, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप बताएंगे क्या है। आप तो ये, मैं ये बहुत ध्यान से देखें कि अगर आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कौन सा आएगा, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्या है मेरी बात समझ में आती है, आप कन्फर्म हो गया कि आपकी अपनी लिस्ट में जो आपने अभी पिछले 1-2 दिन में बनाई है उसमें ये सब स्केलर में लिखे हैं, दिखा दें यही एग्जाम्पल दिखा दें।
तीनों एग्जांपल लिख दिए, इलेक्ट्रिक हमने कहा वर्क लिख दें, फ्लक्स लिख दें, पोटेंशियल लिख दें। हमेशा स्केलर में यूज होगा, इसलिए मैंने लिखा है, देखो ध्यान से एक लाइन, इट्स अ रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ध्यान रखना द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वैल्यू आप जिस फॉर्मूले से देंगे, ये फॉर्मूला आप मत भूलिएगा, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा आपका ए बी कॉस थीटा। और इसीलिए ध्यान से देखो, पहले इतना लिख दो फिर मैं आगे बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट आप कैसे देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, ए बी कॉस थीटा कर दिया इतना, हाँ है ना, जब इतना कर देते हैं तो ध्यान देखो इसका मतलब इन तीन जगहों पर हम डायरेक्ट फार्मूले बता सकते हैं। जो मैंने कहा था वर्क का फार्मूला तो आपको याद ही होगा, आप चेक कर लें, वर्क का फार्मूला यही था, हो गई। जो आगे आने वाले हैं वो मैं लिख देता हूँ, मेरे ख्याल है जहाँ लिखे हैं वहाँ जगह मौजूद है इतनी के भर गई, अगर आगे जगह हो तो इक्वल टू लगा के तीनों की दिखा दो। सही है, आप कोई डाउट हो तो पूछो। और इसीलिए अब इस ये दो बातें समझ में आ गई, स्केलर में इस्तेमाल करेंगे, ए बी कॉस थीटा फॉर्म में आएगा। तीन एग्जांपल मैंने इसीलिए आपको शो करते हुए दे दिए जो आपकी अपनी स्केलर की लिस्ट से निकले हैं। एक खास कंडीशन याद रखेंगे, इस कंडीशन को हमें कई बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट में जो एकमात्र कंडीशन खास तौर पे आती है वो मैं आप बताता हूँ, उनमें से एक आपसे कहती है इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये नोटेशन तो समझते हैं ना, अगर वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हो जाएं तो क्या आपको ध्यान है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्वल्स टू आपका होगा ए बी कॉस 90। क्या आपको कॉस 90 याद है? और इसलिए मैं लास्ट ईयर का एक पहले फेमस एग्जांपल याद दिला देता हूँ, आपसे पूछा करते थे द वर्क डन बाई ए कुली, ऐसे ही बनाते थे ना, वर्क डन बाई ए कुली अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है, कुली जा रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट चलो आर से लिखा है आर से लिख दें, दोनों परपेंडिकुलर आते हैं। और यहाँ आपसे कहते थे वर्क डन कितना आता है, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द लास्ट ईयर। जिन्हें याद है उनके लिए ये काम कर जाएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम इतना याद रखेंगे कि अगर वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी का आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो, ये याद रखिएगा। ठीक है, सुविधाएं बहुत सारी हैं जो मैंने कहा, सुविधाओं में एक ये भी है कि जो वेक्टर अलजेब्रा मैंने शॉर्टकट में पढ़ा दिया है दो दिन में, वो फैक्ट है, दो टर्न मैंने शॉर्टकट में ही पढ़ाया, तो पहले कह रहा हूँ जो डिटेल में बता देंगे, जो ऐसा लगता है बोले यार में थोड़ी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, लास्ट ईयर नहीं पढ़े, मैं बता देता हूँ वेक्टर अलजेब्रा पिछले साल मैंने कम से कम 6-7 टर्न में पढ़ाया होगा, 6-7 टर्न मतलब 15 डेज। और एक इंटरेस्टिंग बात है, 6-7 लेक्चर्स रिकॉर्डेड हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पढ़े, और जो आप ऐप लेंगे उस पर भी पढ़े हुए हैं। जब फुर्सत में नहीं है तो आप एक बार चाहे तो आप डिटेल में उनको कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, देखो पढ़ना आपकी इच्छा पे, मैंने फिर कहा ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, पढ़ना है तो आप हमसे खुद आगे पूछ लोगे सर लेक्चर नंबर 5 तक मिल गए, 6वां नहीं मिल रहा, क्रॉस वाला अकेला वो और बता दो कहाँ है, तो हम बता देंगे। बाकी जो उतना डिटेल में नहीं आना चाहते उन्हें भैया कम से कम इतना तो पता रखना ही पड़ेगा, क्या इतना दिखा दिया ए बी कॉस 90 ज़ीरो, हाँ ना। इसमें नीचे एक छोटा सा काम कर दें, नीचे आप बताइएगा दस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, नीचे आप बताएंगे दस दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो ऑलवेज।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो ऑलवेज, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखेंगे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। सेकंड कंडीशन है, ध्यान देखना, अगर आपको वेक्टर्स मान के चले आपको आई जे और के फॉर्म में दिए हों, किस फॉर्म में दिए, मैंने कहा ये आई वन आई टू आई थ्री के फॉर्म में, सॉरी आई जे के कैप के फॉर्म में दिए हैं, और अगर आप इनका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। ये याद आता है कुछ लोगों को, यानी जो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा उसमें आई टू आई मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जे टू जे कर लीजिएगा, और लास्ट मैंने कहा किसको कर दीजिएगा, प्लस आपका ए थ्री बी थ्री को कर दें यहाँ तक द एंड। आज दिन कौन सा है? वेडनेसडे। कल आपकी 10:30 के आसपास एक क्लास रखेंगे एक्स्ट्रा, आधे पौन घंटे की, एक घंटा मान लो लगभग, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, ख़त्म करेंगे ताकि नेक्स्ट टर्न से हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर सकें। केमिस्ट्री कुछ लोगों की रहती है, कितने बजे छूट जाती है? 10:30-10:35 के, ठीक है। चलें, क्या आप यहाँ तक पहुँच गए? हाँ ना बताएं। देखें ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि आप प्रूव करें दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं कैसे प्रूव होगा? देखो अभी कंडीशन वन लिखी है तुमने, इसमें दोनों कंडीशन लग जाएंगी। कौन कौन सी कंडीशन लग जाएंगी? पहली बात तो देखें, ए बराबर आपका दिया है 3k, और इसलिए कहा ये ऐसा क्वेश्चन है, क्यों सेलेक्ट किया है, दोनों कंडीशन इस्तेमाल कर दूंगा। बी इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 2i और माइनस जे, और प्लस के नहीं है, जिसे दिक्कत आए वो इसको लिख सकता है 0k, भाई नहीं है मतलब 0 ही है। चलो आ जाओ, सबसे पहली बात ध्यान देखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप निकालें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें, आई जे के फॉर्म में निकालना ही बता ही रहे थे, क्या करना है, आई टू आई, जे टू जे और के टू के कीजिएगा। चलो करो, कितना होगा, 2 × 2 माइनस 2 × 2 और यानी कितना निकल आएगा, 0। पहली बात तो आई जे के फॉर्म में करना समझ में आ गया, आई टू आई, जे टू जे और के टू के कर लें। और जो अपना क्वेश्चन था उस पर भी चला जाता हूँ कि आपका ए डॉट बी 0 आ रहा है, आप देखें कंडीशन यही लिखी होगी आपने, और आप एक काम करेंगे, आप क्या बताएंगे, एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, खत्म। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था कि आपको दोनों बातें समझ में आ जाएं, परपेंडिकुलर में क्या होगा और डॉट कैसे निकालेंगे। मिल गया, कहीं कोई समस्या है इसमें? दोनों प्रोसेस समझ में आ जाती हैं, मिंटू करना और मैंने कहा परपेंडिकुलर भी। और एक देखें, अगली बार कह रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, कह रहा है आप एन की वैल्यू निकालें ताकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। निकालो, जिनको आता हो फुर्ती से निकाल लो। कैसे निकालोगे, ध्यान जा रहा है, आपको वैल्यू निकालनी है कि ये आपके परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए,
ये तय है कि आपका परपेंडिकुलर कंडीशन में चलो मैं और लिख देता हूँ थोड़ा सा, मेरा सवाल इस बात पे बेस्ड होगा कि अगर आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है देन फिर क्या होना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, होना चाहिए। आप ट्राई कर लेते हैं, वेक्टर ए कितना था हमारा, वेक्टर ए था आपका आई प्लस फाइव जे और प्लस एन के, और वेक्टर कितना थ्री आ रहा है, बढ़िया। और वेक्टर बी है आपका टू आई माइनस जे और प्लस के, क्या कर दोगे, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, कितना निकलेगा, इनटू करना तो समझ में आ गया, टू वन जा टू माइनस फाइव और प्लस एन वन जा एन, और इकाई के बराबर होना चाहिए ज़ीरो के, इसका मतलब क्या चीज़ बता दोगे, सही कह रहे हैं। हो गई कहानी ख़त्म, हो गया अदर, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैंने कहा इसके बाद जो है आपके एक क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा और एक आध दो डॉट के क्वेश्चन, इसमें मैंने कहा था एक 40-45 मिनट की क्लास में कल अपना एंड हो जाएगा, तो फिर हम जो नेक्स्ट टर्न है फ्राइडे से फिर आपका प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बताऊँ, नेक्स्ट टर्न तक बेटा आप एक काम करें, कितने लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर्म वगैरह भर दिए हैं ये मुझे बताओ, बढ़िया, जिन्होंने भर दिए हैं बता दें, और ये पिछले साल वाले तो ऐप पे वैसे ही जुड़े होंगे, है ना। तो मैंने एक ही बेचारे बंदे को जोड़ा है केवल, बढ़िया। ये आपका नया बैच मैंने तैयार कर दिया 2021 12th MP के नाम से, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा था अपने फॉर्म से बेटा अब अगले टर्न से प्रोसेस में आ जाए, जैसे ही आप इस समय कहते हैं ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जो नहीं किया है मैं अगले टर्न बता दूंगा नए लोगों को, और जो बाकी हैं, बाकी किस किस ने कर लिया था 11th MP कहाँ था तुम्हारा, ये था, चलो किस किस का फॉर्म जमा हो गया ज़रा मुझे एक सेकंड बताओ, अमन सिंह तोमर का, अमन सिंह तोमर कहाँ, ये रहे अमन सिंह तोमर, अमन सिंह तोमर बैच कैसे दिखेंगे इसमें, इसमें नहीं दिख रहे बेचारे, ये रहे अमन सिंह तोमर बैचेस, और बैच में जाके इनको कर दो एड टू बैच, ये लो। और किसका था, अरे मेरा नाम बता दे, मैं कोई छेद में, हाँ पीछे मेरी आंखें तोड़ना, अनामिका शर्मा, ये रही अनामिका शर्मा, ये रहे अनामिका शर्मा के बैच, ये हो गए एड टू बैच, ये हो गए 12th MP, और ये हो गए एड स्टूडेंट बैचेस, ठीक है। और अंजलि चौहान को पहले ऐड कर रखा है, ठीक है, एक ही ऐड किया था उन्हें बैच बनाने के लिए, और कौन था, हिमांशु भदौरिया, हिमांशु सिंह भदौरिया, ठीक है। और कोई पुराना दुराना आदमी नहीं, चलो ठीक है। दो, एक तो मैं कह रहा था जो लोग एडेड हैं वो तो अपना कर ही लेंगे, है ना, टेस्ट बंद कर दें।